नमस्कार दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं ओला की स्कूटर S1। देखिए लॉक खोले बड़े इसका, ये देखिए ये आपकी ओला की S1। ये इसमें होगी नेविगेशन आपकी, यहाँ से आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, सेटिंग्स आ गई इसकी सारी। ये इसकी रेंज, तो इसमें जो सबसे बड़ी कमी अब तक पता चली है, इसकी रेंज है जो कंपनी क्लेम करती है 140, बट फुल चार्ज पे आप अगर इको पे भी चलाओगे तो 125 मैक्सिमम है, मतलब इससे ऊपर नहीं देती इसकी रेंज। देखो इको में दिखा रही है वो फिलहाल 79% बैटरी है, तो इको में 101 किलोमीटर और नॉर्मल में 81, और स्पोर्ट्स में ये देगी, अच्छा स्पोर्ट्स में और भी कम देगी, मतलब फ़िलहाल 81 किलोमीटर दिखा रही है। तो इसमें मेजर बग जो फिलहाल है वो ये है कि देखो फिलहाल ईगो की रेंज दिखा रही है, नॉर्मल की दिखा रही है, लेकिन स्पोर्ट्स नहीं दिखा रही, कभी दिखाती है कभी नहीं दिखाती। और इसमें एक बग और है, कभी कभी ये हाइपर भी दिखाती है, मतलब ये जैसे S1 है, कभी कभी ये S1 प्रो वाला सॉफ्टवेयर आ जाता है इसमें अपने यहाँ भी, और ये हाइपर भी दिखाती है। तो इसमें ये बग है भाई, अभी देखो ये स्पोर्ट्स नहीं दिखा रही, वरना दिखाती है अभी दिखा रही, और कभी कभी अपने आप ही हाइपर भी दिखा दे, है ही S1 और S1 प्रो वाला दिखा दे फीचर की हाइपर भी है। एक इसमें दूसरा जो मेजर यूज़ हुआ है इसके टायर्स के साथ है, वैसे तो बढ़िया MRF कंपनी के टायर है, बढ़िया छोटे टायर्स हैं, लेकिन ये क्या है कि कंपनी ने अपने ऑर्डर से बनवा रखे हैं, मतलब अब मान लो हम जैसे छोटे शहर से हैं रुड़की से, अब आप बड़े शहर में हो दिल्ली हो तो चलो ठीक है, कट फट लग गया, आप चेंज करवा लोगे ओला से करवा लोगे या MRF से करवा लोगे, अब इस साइज़ का टायर नहीं मिलता हमारे शहर में, अब मान लो इसका कहीं से कट लग गया कुछ भी हो गया तो फिर घर खड़ी रहेगी, अब आप कॉल करोगे ओला को वो ऑर्डर पे मंगवाएंगे, वरना खड़ी है बस। ये भी इशू है, कम से कम टायर तो अवेलेबल होना चाहिए, ऐसे ही रियर का है। एक इसमें इशू ये है कि जैसे DRL है फिलहाल तो देखो बंद है क्योंकि ये स्टार्ट नहीं है, लेकिन इसका क्या इशू है कि अब खड़ी है स्टैंड पे तो जलता रहेगा डे टाइम रनिंग लाइट, इसका मतलब ये होता है कि आपकी डे में कंटिन्यू जलनी चाहिए, लेकिन जैसे ही आप इसको स्टार्ट करोगे स्टैंड हटाओगे चलने के लिए रेडी होगे तो ये ऑटोमेटिक बंद होगी। अगर आपको DRL कंटिन्यू करनी है तो एक प्रोजेक्टर जलाना ही पड़ेगा। अब पेट्रोल गाड़ी में तो दिक्कत आती नहीं है, लेकिन बैटरी में आप जितना चाहो उतना सेव करना चाहोगे, अब वो फीचर भी इसमें नहीं है, वरना डे टाइम रनिंग लाइट तो ऑल डे जलनी ही चाहिए, चाहे आपकी खड़ी है चाहे चल रही है। तो DRL इसका जलता है, मतलब खड़ी है तो जल रहा है, अब जैसे भाई बैठ के दिखा इस पर एक बार, दिखा कैसे बंद होता है। अब जैसे भाई चलाएगा इसको, देखो अब चलाया इसने तो प्रोजेक्टर ऑन हो गया, अब आपको चलानी है या तो इसकी प्रोजेक्टर सारी लाइट बंद करो तब चलेगी, नहीं तो स्टैंड पे खड़ी है तो DRL जलेगा, नहीं तो एक प्रोजेक्टर आपको जलाना ही पड़ेगा। ये भी एक इशू है इसके साथ। दूसरा क्या है इसका, दूसरा क्या है कि इसका जो ये पायदान है ये फ्लैट नहीं है। अब आप इसको बताओ क्या यूज़ करोगे, आप पैर ही रख सकते हो, अब ना इस पर आप सिलेंडर रख सकते हो, अब जैसे इंडिया है ये, अब मिडिल क्लास आदमी लेगा इसको, अब वो कुछ यूटिलिटी के हिसाब से कुछ पर्पज़ से यूज़ ही नहीं कर सकता इसको, बताओ क्या रखोगे। अब कंपनी बोल रही है कि इसके अंदर सेल है, अब सेल तो कहीं भी एडजस्ट कर सकती थी ना, तो ये भी इस अब जो आदमी स्कूटी लेता है वो यूटिलिटी के पर्पज़ से ज़्यादा लेता है। अब ठीक है स्टूडेंट वगैरह के लिए तो ठीक है, भाई स्टूडेंट है अपना, इसने अपने पर्पज़ से लिया, बाकी यूटिलिटी वाले के लिए कोई मतलब नहीं है। दूसरा ऐसा होने, अब दूसरा ये देखो, अब मान लो हम इसको लॉक करके चले गए, अब कोई आएगा ऐसे खोल देगा, बच्चे से भीड़ में ऐसे खोल जाएगा, अब चाहे इसको ये निकाल दो चाहे इसको कोई तोड़ दो, ये लॉक होना चाहिए था मतलब। बाकी एक इशू ये भी है इसमें, अब जैसे गाड़ियों का क्या, आप लॉक कर दोगे तो ये भी लॉक होगा, ये पूछ से खुलेगा नहीं, लेकिन इसमें लॉक भी कर दोगे तो इसको कोई भी खोल सकता है, कोई भी, ये लॉक नहीं होता मतलब। देखिए टेम्परेरी सिस्टम दे रखा है, ऐसा कोई पर्पज नहीं है इसका, बाकी जब चार्जिंग के लिए होता तभी खुलता तो सही था, अब कोई भी खोल के भाग जाएगा इसको, जब भी मैं आता हूँ खुला ही मिलता है। बाकी ये तो बग हो गए, बाकी एक खास बात है इसमें, डिग्गी खोलना भाई इसका, बूट खोल लो, यहाँ से बूट खुल गया। अब इसमें स्पेस देखो आप, कितना स्पेस है, आपको नॉर्मल स्कूटी में इतना स्पेस नहीं मिलेगा, देखो भर भर के है इसमें, मतलब दो फुल साइज़ हेलमेट बड़े आराम से, और अपना बैग वैग रख लो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतना स्पेस किसी स्कूटी में नहीं है। कुछ खामियाँ हैं कुछ अच्छाई भी है, बाकी इसका एक ओवरऑल रिव्यू दूंगा मैं आपको। थैंक यू।